गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो F11 के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स। आपको बहुत ही यूज होगा ये सारे फीचर्स अगर आप इस वीडियो को फुल देखकर यूज करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला फीचर हम देखेंगे सेटिंग्स में, ऑब्वियसली तो इसके लिए सेटिंग्स पर जाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। ऑलरेडी एक ओप्पो F11 का कैमरा सेटिंग्स रिलेटेड वीडियो डाला हूँ, तो ढेर सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल एज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो इसके लिए हम फर्स्ट सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स जाकर यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स है, तो एडिशनल सेटिंग्स पर टैप करना है आपको एंड डिस्प्ले रैम एंड मेमोरी इन्फो। तो ये आजकल क्या हुआ है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट आता था लेकिन अभी इसको एनेबल करना पड़ता है। तो अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली लेट्स से कि मैं अभी मैसेज यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ पिक्स कैप्चर करने के लिए कैमरा यूज़ करता हूँ, इसके बाद चलिए कि फ़ोन करता हूँ किसी को, तो ये सारे जो रीसेंट टास्क यहाँ पर आपको मिलेगा, ये सारे जो रीसेंट टास्क है आपको यहाँ पर कितना अवेलेबल मेमोरी स्पेस है ये दिखाई देगा। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि अगर लेट्स से कि सेटिंग्स ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो इस चीज़ को आप फोर्स स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर ऐसे स्वाइप अप करके ऑब्वियसली क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.38 GB, थोड़ा मैंने जब वो क्लोज़ किया तो एक्चुअली थोड़ा स्पेस ज़्यादा हुआ। तो इससे क्या होता है, बेसिकली मल्टीटास्किंग जो है वो फास्ट हो रहा है या नहीं, यहाँ से आप जान सकते हैं कि मतलब कौन सा कितना कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए वो एनेबल करना पड़ता है सेटिंग्स पर। तो इसके वजह से आप सेटिंग्स में पहले वो एनेबल करके रखिए ताकि आपको पता चलेगा कितना रैम अवेलेबल है। तो सेकेंड फीचर हम देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस एनेबल करने के बाद। तो डेवलपर ऑप्शन एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना पड़ता है, सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन एंड यहाँ से वर्शन को जो है वो एक 7 बार आपको टैप करना है। ऐसे 7 बार टैप करने के बाद आप है एडिशनल सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शंस, यस यहाँ पर है डेवलपर ऑप्शंस। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, आई विल शो यू, पहले आपको एनेबल करना है। पहले तो ऐसे डिसेबल रहेगा, तो इस चीज़ को आप एनेबल कीजिए, मतलब कि इसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे वो वहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर पिक्चर कलर मोड करके है, अगर आप sRGB यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ोटोज़ ले रहे हैं आप, इस मोबाइल में फ़ोटोज़ लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड इसे आप प्रिंट भी करवाएंगे कहीं कभार, तो क्या होना है कि आपको sRGB पर टैप करके रखना है, मतलब एक्यूरेट कलर्स आपको दिखाई देगा जो कि प्रिंटिंग ऑप्शंस में वहाँ पर रहेगा। sRGB ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके वजह से ये रख सकते हैं। एंड यहाँ से रनिंग सर्विसेज जाना है, तो रनिंग सर्विसेज जाएंगे तो डिटेल्ड में आपको इंक्लूडिंग कैश्ड मेमोरी प्रोसेस, मतलब कि लेट्स से कि अभी आप कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, इसके बाद आप होम बटन टैप करेंगे, लॉक करके चले जाएंगे तो बैकग्राउंड में रन होता रहेगा ना, तो ऐसे में क्या करना है, कुछ एप्लीकेशंस लेट्स से कि आप फोटोज़ ओपन करके सेव करके रखे हैं, वो सारा चीज़ जो है एप्लीकेशन का जल्दी से जल्दी ओपन करने के लिए कैश्ड प्रोसेस में वो रखा रहता है, तो इसके वजह से कैश्ड प्रोसेस पर आप टैप करेंगे तो और भी डिटेल से आपको पता चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा MB कंज्यूम कर रहा है। इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि सिस्टम के रिलेटेड एप्लीकेशंस कुछ रहते हैं उसको ऑफ़ करने की, फोर्स स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं रहता है। लेट्स से कि ये हेलो का ऐप जो है इस चीज़ को मैं यूज़ ही नहीं करता, तो ऐसे में फिर भी वो कैश बैकग्राउंड प्रोसेस 81 MB खा रहा है, तो इसके वजह से इसको टैप करना है। टैप करने के बाद जो स्टॉप करके है इस पर फिर से एक बार टैप करना है, वो चला जाएगा। जस्ट एक बार ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो वो नहीं रहेगा, इवन बैक लेकर आप फॉरवर्ड फिर से जाएंगे तो वो हेलो ऐप, देखिए अभी आप देख सकते हैं वो वाला चला गया हेलो ऐप का। तो ऐसे में 81 MB बहुत ही होता है एक फास्ट अगर आप रेस्पॉन्स चाहते हैं मोबाइल से। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस डेली यूज़ करते हैं तो यहाँ से जाकर आप वैसे एप्लीकेशंस का स्टॉप कर दीजिए जो कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इससे आपका रैम हो या फिर इवन ओवरऑल मोबाइल हो बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट होने लगता है। इवन देखिए फ़ोटोज़, मैं तो अभी फ़ोटोज़ ओपन भी नहीं किया, फिर भी कभी का अगर ओपन करते तो कैश्ड मेमोरी में रहता है क्योंकि जल्दी से ओपन करने के लिए, तो अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। क्या करना है, बेसिकली फिर से अगर मैं गैलरी पर फ़ोटोज़ पर टैप करता हूँ वो यहाँ पर दिखाई देगा ही, लेकिन कैश मेमोरी में अगर रहेगा तो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो इसके वजह से जस्ट डिसेबल इट, जो भी आप ऐप यूज़ नहीं करते हैं उस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए बिल्कुल। यहाँ से डिटेल में इंफॉर्मेशन भी अलग अलग से है, यूज्ड कैश मेमोरी, अवेलेबल मेमोरी, तो ये भी देखिए 1.43 GB कुछ था ना फ्री, तो अभी मैं वैसे कर दिया तो आई शो यू रनिंग सर्विसेज में 2 GB का स्पेस मिल गया अभी रैम, वैसे में बहुत ही फास्ट परफॉर्म भी करेगा, आपको यूज़ होगा। द नेक्स्ट वन इज़ नाइट मोड, नाइट शील्ड एनेबल करना, इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि कब ऑन एंड कब ऑफ होना है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है एंड डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस,
सो लेट्स गो टू सेटिंग्स. यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस मिलेगा, इस पर टैप करना है. एंड यहाँ से नाइट शील्ड करके है, तो नाइट शील्ड को टैप करने से शेड्यूल कर सकते हैं. मतलब ज़्यादा अगर आप नाइट में मोबाइल ब्राउजिंग करते हैं, लेट्स से कि आप कुछ बुक्स भी पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो बेसिकली आप टाइम शेड्यूल रात को इस वजह से सुबह इतने बजे तक ऑटोमेटिकली नाइट शील्ड एनेबल होगा. एंड जब सुबह वो टाइम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर जाएगा. तो ऐसे में बहुत ही यूज़फुल फीचर है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए. वैसे ही एनेबल नाउ, तो अभी का अभी एनेबल होता है, अदरवाइज जब शेड्यूल टाइम रखे तब एनेबल होता है. एंड यहाँ पर कैसा कलर चाहिए, अगर रात में यूज़ कर रहे हैं तो वार्मर रखेंगे तो आपको आपके आँखों के लिए अच्छा है. कूलर सुबह में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कूल कलर्स ऐसे नहीं देखना है, ज़्यादा ब्लूइश वाला कलर्स. तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट इज़ फाइन एवरी डे, लेकिन अगर आप रात में जो ये शेड्यूल टाइम रखे हैं वहाँ पर आप वार्मर रखेंगे तो ठीक रहेगा. तो ऑटोमेटिकली 22 है ना, मतलब 10 बजे इस वार्मर कलर को चेंज कर देगा नाइट शील्ड मोड. तो अगेन वेरी ऑसम फीचर. वैसे अगर पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा आपको. तो वैसे मैं डिस्प्ले इन ब्लैक एंड वाइट अगर आप टैप करके एनेबल नाउ करेंगे तो इंस्टेंटली ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा मोबाइल. एंड आप कुछ बैटरी भी सेव करके इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे एनेबल करके ज़्यादा बैटरी बैकअप पा सकते हैं अपने मोबाइल में. इवन देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है कंफर्टेबल नाइट टाइम रीडिंग, जो कि डार्क मोड बन जाता है. एंड यहाँ पर जो वार्मर हुआ है ना, तो हम इसको कूल करेंगे. तो बेसिकली टेक्स्ट सारा कूल है. एंड यहाँ पर आप स्पेशली कुछ पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करके आप इंटरनेट में पढ़ने के लिए बहुत ही यूज़ होगा आपके आँखों के लिए. तो ऐसा आप चेंज करके ज़रूर यूज़ कीजिए. सो अभी के लिए मैं टर्न ऑफ करता हूँ, शेड्यूल टाइम पर ही रखेंगे इसको. तो एक वेरी यूज़फुल फीचर है. एंड नेक्स्ट वन इज़ बैटरी परसेंट रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये दोनों एनेबल करना. यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज रहता है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे में आपको एनेबल करने के लिए सेटिंग्स एंड यहाँ पर सेटिंग्स में नोटिफिकेशंस पर जाएंगे. सो वेयर इज़ द नोटिफिकेशंस. अगर आपको एक झट से यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐसे नहीं मिल रहा है तो सर्च में जाकर आप नोटिफिकेशन करके टाइप करेंगे तो इंस्टेंटली मिल जाएगा. एंड यहाँ पर बैटरी परसेंटेज रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इंटरनेट का स्पीड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस दोनों चीज़ को आप हमेशा एनेबल करके रखिए. तो दोस्तों लास्ट में स्मार्ट असिस्टेंट रिलेटेड फीचर. ओके, तो स्मार्ट सर्विसेज में स्मार्ट असिस्टेंट ये बेसिकली ऑफ रहेगा, तो इस चीज़ को आपको ऑन करना है. एंड यहाँ से क्या होगा बेसिकली, आई विल शो यू. होम स्क्रीन पर रखेंगे तो टू टाइम्स ऐसे स्वाइप राइट करने से ये जो मिलता है ये है स्मार्ट असिस्टेंट. इसमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि टेम्परेचर का कार्ड भी यहाँ पर रहेगा, इंस्टेंटली डेट देखने के लिए यहाँ पर रहेगा. वैसे क्विक फंक्शंस है ऐप स्टोर जल्दी से जाने के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, फ़ोटो ट्रांसलेट करने के लिए. लेट्स से कि कुछ आप पिक्चर लेना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट है, लिखा हुआ ज़्यादा है, तो ऐसे में आप स्कैन डॉक करके यहाँ पर कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रखेंगे, टेक्स्ट वाला रखेंगे, तो इंस्टेंटली आप क्लिक कर सकते हैं. यहाँ से टॉर्च हमेशा फोर्सेबली ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं. वेरी नाइस एंड वेरी क्विक फीचर. अपना जो कार्ड्स रहता है वो स्कैन करके आप एक सेक्शन में आप रख सकते हैं हमेशा. जब भी आपको कुछ ज़रूरत होता है कार्ड देखने के लिए, लेट्स से कि आधार कार्ड हो या फिर दूसरे बैंक का कार्ड हो डिटेल्स देखने के लिए, तो इंस्टेंटली कार्ड को ओपन करके जल्दी से देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को. वैसे ही कन्वर्ट करेंसी है, रियल टाइम करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि देखिए अभी 100 $ इज इक्वल टू 6887 आज का करेंसी एक्सचेंज का रेट लेकर वो कन्वर्ट करके बताता है. तो ऐसे झट से कुछ फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं ज़रूर. वैसे ही फ़ोटो ट्रांसलेट है, अगर शब्दों का ट्रांसलेट करना चाहते हैं लिखा हुआ तो यहाँ से आप कर सकते हैं. एंड इवन स्टेप काउंटर है, मैचेस, इवन पॉपुलर एप्लीकेशंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पर रहेगा, सिर्फ एक बार टैप करने से इंस्टेंट कॉल भी जाएगा. एंड यहाँ से अगर आप प्लस टैप करेंगे तो डिटेल में कौन सा पहला दिखना चाहिए, या फिर अगर आप इससे ज़्यादा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल ऑन करके ऐड कर सकते हैं. तो ये है स्मार्ट असिस्टेंट, आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही जल्दी से काम भी होता है. एंड जैसे मैंने सेटिंग्स बताया वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा आपको. तो होपफुली इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मोबाइल फास्ट हुआ है एंड ज़्यादा बेटर हुआ है अभी इन चीज़ को यूज़ करने के बाद. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यस, हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.